बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का आरोप, मात्र 2,58,000 निर्माण श्रमिकों के आवेदनों को ही सरकार ने दी स्वीकृति। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने एक वक्तव्य जारी कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी और निर्माण श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के लिए 1,000 रुपए दे रहे हैं, फिर कहा था कि 2,500 रुपए हम उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ अलग ही बात बयां कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि राजस्थान में लगभग 24 लाख निर्माण श्रमिकों ने पंजीयन करा रखा है, इनमें से लगभग 6,38,000 निर्माण श्रमिकों ने सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और हकीकत यह है कि इन 2,38,000 में से 2,58,000 आवेदनों को ही सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्मा ने आरोप लगाया है कि आज भी स्थिति यह है कि शेष बचे अन्य निर्माण श्रमिक सहायता के इंतजार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर। कोविड-19 के दौरान सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी और सरकार कह रही थी कि हम निर्माण श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के लिए पहले कहा कि 1,000 रुपए हम दे रहे हैं, फिर कहा कि उनके खातों के अंदर हम 2,500 रुपए देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 24 लाख निर्माण श्रमिकों ने पंजीयन करा रखा है और इन 24 लाख निर्माण श्रमिकों में से लगभग 6,38,000 निर्माण श्रमिकों ने आवेदन किया सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए। अब हकीकत यह है कि इन 6,38,000 में से मात्र 2,58,000 आवेदनों को ही सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। आज भी 3,80,000 जो लाभार्थी है, जो जरूरतमंद है, जो आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं, उनके आवेदनों को स्वीकृति सरकार ने दी नहीं है। इससे सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपके पास 3,80,000 आवेदनकर्ता ऐसे हैं जिनको आपने 1 रुपए की भी सहायता अभी तक उपलब्ध नहीं कराई। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार लाभार्थियों को या जरूरतमंदों को कोई सहायता उपलब्ध कराने का काम नहीं करी, सिर्फ आंकड़ों का जाल फैलाकर वाहवाही लूटने का काम कर